किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते ना थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश में किसी और के घर चला गया और वहां सुअर चराने लगा। और उसका मालिक चाहता था कि जो फलियां सुअर खाते हैं उनमें से वो ही खाए और कोई उसे कुछ नहीं देता था। और जब वह होश में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के पास कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने यहाँ एक मजदूर के जैसे रख ले। और वे उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके पिता ने अपने दासों से कहा, जाओ अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा मार कर उसे खाओ ताकि हम आनंद मचा सके उसके आने की खुशी में, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे।